तो शुरू करते हैं न्यूज़पत का ये सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीर जिनका जिक्र सरेरा, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा सनी देओल के पोस्टर की भी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ महिलाएं सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान से मिलकर भावुक हो गईं। दरअसल उन्होंने शिवराज को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर दुख जताया। इसके बाद शिवराज ने इन महिलाओं को ढांढस बंधाया और उनके सर पर हाथ रखकर कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। असल में इन महिलाओं ने कहा कि वो शिवराज को नहीं छोड़ेंगी। पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल की गुमशुदगी के पोस्टर पठानकोट में लगाए गए। साथ ही ये ऐलान किया गया कि जो सनी देओल का पता बताएगा उसे 50,000 रूपए का नकद इनाम दिया जाएगा। इनका आरोप है कि सनी देओल चुनाव के बाद उन्हें भूल गए हैं और वो मुंबई में ही व्यस्त हैं। इससे उनके कई विकास के काम नहीं हो पा रहे। यूपी के अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में जटायु की भी बड़ी प्रतिमा लगाई गई। यह कांस्य की है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अगले महीने जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जटायु की प्रतिमा पर पुष्प भी चढ़ाएंगे। रामायण के अनुसार रावण से सीता को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दावा है कि यूपी की मैनपुरी में एक दुल्हन ने इसलिए बारात लौटा दी क्योंकि दूल्हा शराब पीकर आया था। बताया गया कि दूल्हे ने शराब के नशे में डीजे पर डांस किया, फिर जैसे ही इसका पता दुल्हन को लगा तो दुल्हन ने सीधे शादी करने से मना कर दिया। दोनों ओर से काफी देर तक पंचायत का दौर चला लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार बारात को बिना दुल्हन के बैरंग ही लौटना पड़ा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की अपने कुछ दोस्तों के साथ मस्ती करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। दरअसल कोहली और अनुष्का ने अपनी शादी की 6वीं सालगिरह पर एक पार्टी दी। इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें अनुष्का ने सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें वो केक काटते दिखे। इन तस्वीरों में उनके कई दोस्त भी नजर आए। अनुष्का और कोहली की शादी 6 साल पहले साल 2017 में हुई थी।